नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक जेंगो डेवलपर के लिए। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहला कंसेप्ट होता है क्रूड ऑपरेशंस का। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम कोई भी डाटा क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, और इसके रिस्पेक्टिव में कौन कौन से HTTP मेथड्स यूज किए जाते हैं। गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, पुट रिक्वेस्ट क्या होती है, डिलीट रिक्वेस्ट क्या होती है, आपको इन सबके बारे में पता होना ही चाहिए क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा वास्टली यूज की जाती है एज ए जेंगो डेवलपर। कोई भी अगर वेबसाइट आप जेंगो में डेवलप कर रहे हो तो ये तो बेसिक स्किल्स होते हैं कि आपको क्रूड ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। और इसको SQL क्वेरी से किस तरह से किया जाता है या फिर Django क्वेरी सेट से किस तरह से किया जाता है, आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट इज टोकन और टोकनाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि टोकन्स क्या होते हैं, JWT टोकन क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है, किसी भी टोकन को हम एनक्रिप्ट किस तरह से करते हैं, डिक्रिप्ट किस तरह से किया जाता है, आपको इन सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि ये भी कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा वास्टली यूज किया जाता है। मोस्टली जब भी आप किसी भी जेंगो वेब एप्लीकेशन पर काम करोगे तो ये चीज बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होती है कि हर एक प्रोजेक्ट में यूज की जाती है। थर्ड कंसेप्ट इज ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें आखिर होती क्या हैं, किस पर्पस के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि वहां पर आपको यूजर नेम डालने की ऑप्शन आती है, उसके बाद पासवर्ड डालने की ऑप्शन आती है, देन जब आप लॉग इन वाले बटन पर क्लिक करते हो तो वो आपको फर्दर पेजेस पर लेकर चला जाता है, डिपेंड कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड क्या डाला है। उसी तरह से आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि यही सारा कंसेप्ट यही कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हम वेरिफिकेशन करवाते हैं तो ईमेल से किस तरह से वेरिफिकेशन की जाती है या फिर फोन नंबर से किस तरह से वेरिफिकेशन की जाती है। इसमें हम दो कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, एक होता है OTP का और दूसरा होता है टोकन का। टोकन के बारे में जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि आपको टोकनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी टोकन किस तरह से क्रिएट किया जाता है, एनक्रिप्ट किस तरह से होता है, डिक्रिप्ट किस तरह से होता है, और OTP के मामले में जैसे कि कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर दिए तो हम उसको किस तरह से यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन में वेरीफाई करने के लिए, आपको इन सब कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि ऑथेंटिकेशन किस तरह से होती है, लेकिन उसके अलावा आप ओथ टू ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हो, और उसके अलावा SAML क्या होता है आपको उसके बारे में भी पता कर सकते हो, देन SSO के बारे में भी पता कर सकते हो। ये सारे के सारे कंसेप्ट सुनने में जितने डिफिकल्ट लगते हैं करने में उतने डिफिकल्ट नहीं होते। जब आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाओगे तो सारे के सारे कंसेप्ट वहां पर लिखे हैं किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। जब आप वो सारे के सारे एक बार इंप्लीमेंट करके देख लोगे आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि ये सारे के सारे कंसेप्ट इतने डिफिकल्ट नहीं होते। लेकिन हाँ, एज ए जेंगो डेवलपर ये मस्ट होता है कि आपको पता होना चाहिए। फोर्थ कंसेप्ट इज हाउ टू यूज स्टैटिक फाइल। आपको पता होना चाहिए कि कोई इमेज किस तरह से यूज की जाती है, कोई फोटो अगर आप यूज करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में फ्रंट एंड के परस्पेक्टिव से तो किस तरह से यूज की जाती है, और उसको बैक एंड में किस तरह से स्टोर किया जाता है, तो आपको ये सारी की सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। स्टैटिक फाइल वाला कंसेप्ट किस तरह से कन्फिगर किया जाता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एक जेंगो डेवलपर के लिए क्योंकि मोस्टली हर एक एप्लीकेशन में इन सब की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ती ही पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट इज इंटीग्रेट पेमेंट गेटवे। तो मोस्टली जब आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप पैसा कमाने के लिए ही बना रहे हो, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आप वहां से किस तरह से पैसा कमा सकते हो, और मेनली इसका मेन सोर्स होता है पेमेंट गेटवे। जो भी आपने पेमेंट गेटवे वहां पे ऐड किया होता है, जैसे कि अगर आप Amazon पे चले गए, Flipkart पे चले गए, या फिर कोई भी अगर आप Zomato Swiggy पर भी चले गए, तो इन दी एंड आपसे पूछा जाता है कि आपके पेमेंट का सोर्स क्या होगा। वहां पर आप फोन पे भी यूज कर सकते हो, गूगल पे भी यूज कर सकते हो, पेटीएम भी यूज कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सारी की सारी चीजें किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है। ये वाला कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब इंप्रेस करके रख सकता है किसी भी इंटरव्यूअर को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंपनी में ये वास्टली यूज किया जाता है। उसके अलावा इस कंसेप्ट को समझा जाता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब मैंने इंप्लीमेंट करके देखा था तो मुझे इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा था। सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी होती है, आपको सिर्फ रीड करनी है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करके देखना होता है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट मुझे नहीं लगा। जब आप भी इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देख लोगे तो आप खुद भी सोचोगे कि यार पता नहीं क्यों ही मैं डर रहा था इस चीज से, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पेमेंट गेटवे को किसी भी प्रोजेक्ट में डेफिनेटली आप इंटीग्रेट जरूर करके देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेट सैलरी इन जेंगो। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सैलरी होती ही क्या है, किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, और जब आप इसको अपने प्रोजेक्ट में एक दो बार इंप्लीमेंट करके देखोगे तो आप भी रियलाइज करोगे ये सब चीजें वर्क किस तरह से कर रही हैं, वर्कर क्या होते हैं सैलरी में। तो आपको ये सारी की सारी चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट जेंगो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो कि हर एक जेंगो डेवलपर को पता होना चाहिए।
सेवंथ पॉइंट इज डिप्लॉय योर एप्लीकेशन। जब आपने एक बार एप्लीकेशन बनाकर रख दी तो उसको किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मार्केट स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो आजकल जिसको भी डेवलपमेंट करनी आती है उसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, उसके साथ साथ उसको डिप्लॉयमेंट भी आनी चाहिए। यही आजकल दौर चल रहा है, सबको इसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि डेवलपमेंट प्लस डिप्लॉयमेंट दोनों साथ ही चाहिए। हर एक बंदे को डिप्लॉयमेंट करनी आनी चाहिए कि वो अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से डिप्लॉय कर सकता है। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि AWS क्या होता है, वहां पर डिप्लॉय किस तरह से की जाती है, Heroku पे किस तरह से डिप्लॉय की जाती है, उसके अलावा Firebase या फिर DigitalOcean से भी आप यूज करके इसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो आपको ये सारी की सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और ये भी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप एक बार डिप्लॉय कर लोगे ना तो आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है एक बार मैंने कर दिया, तो जब आपको बाद में बताने की जरूरत भी होगी ना तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर वो चीजें बता सकते हो। तो एज ए Django डेवलपर ये कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट थे दैट यू मस्ट नो एज ए Django डेवलपर। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।